CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम वह सुबह कभी तो आएगी। मैं बहुत छोटी थी जब गैस रिसी थी। मेरी अम्मी बताती हैं कि वो मुझे जकड़कर जहांगीराबाद भागी थी। मेरी याददाश्त में मैंने अपना पहला कदम बीमारी में ही बढ़ाया था। और अब भी मैं उससे बच नहीं पाई हूं। बीच में कुछ समय तक कुछ राहत थी, पर अब फिर सब कुछ वापस आ गया है। मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं। मेरा चेहरा सूजन की वजह से बड़ा रहता है। गले से अंदर ही अंदर खून बहता है। मेरी सांसें बुरी तरह से फूलने लगती हैं। और मैं होश खो देती हूँ। मुझे बचा लो, मुझे क्या हो रहा है? मेरे पूरे बदन पर लाल लाल धब्बे हैं। ये धब्बे कैसे? ये मुझे क्या हो गया? शुरू में ये धब्बे एक एक रुपए के सिक्के जितने बड़े थे। ये तो बहुत बड़े हैं। अगर मुझे क्या हो रहा है, कोई मुझे बताओ, ये मुझे क्या हो रहा है? पर अब ये थोड़े छोटे हो गए हैं। हाँ, सचमुच पहले से काफी छोटे हो गए हैं। मेरे दाहिने पांव के कारण मुझे चलने में दिक्कत होती है। और मेरे पैर देखो, ये छाले, अब ये छाले कैसे? ये मुझे रोज रोज क्या हो रहा है? कभी कभी ये दाग, कभी ये छाले, आखिर ये मुझे क्या हो रहा है? कितना कुछ हुआ है हमें। हमारी जिंदगी गैस के कारण हमेशा के लिए बदल गई है। मेरे अब्बू इस दुर्घटना के कारण खत्म हो गए जब हम बहुत छोटे थे। मेरी माँ की मानसिक हालत बिगड़ गई। वो दरवाजे पर बैठकर अब्बू का इंतजार करती रहती थी। हमसे कहती, वो देखो अब्बू आने वाले हैं, उनके लिए चाय तो बना लो। हाँ, बैठी हो यहाँ पर, जाओ जल्दी से। वो उनके पैरों की आहट सुनती और चिल्ला कर कहती, देखो देखो वो आ गए, वो घर आ गए, देखा तुमने? हम उनसे कहते, माँ माँ अब्बू मर चुके हैं माँ। पर वो हमसे कहती, ऐसी बातें नहीं करते, समझा तुमने? दोबारा ऐसी बात मत करना। और अगर हम फिर ऐसा कहते तो वो हमें मार देती। हम उनसे कहते, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम आपकी देखभाल करेंगे।
डॉक्टर लोग हमसे कहते आपसे जितना हो पाए उन्हें खुश रखा करें। हाँ जी डॉक्टर साहब बिल्कुल, पर उनकी हालत देखकर रोए बिना रह पाना मुश्किल होता था। ये सब कुछ महीनों तक चलता रहा। धीरे धीरे किसी तरह अम्मी ने अपने आप को संभाला। शायद इस एहसास ने उन्हें ठीक होने में मदद की कि उन्हें ही कुछ उपाय करने होंगे ताकि हम सब जिंदा रह सकें। मेरे अब्बू की एक दुकान थी, किसी ने उन्हें समझा बुझा कर वो दुकान 500 रुपए में बिकवा दी। जब तक वो पैसा चला हमें खाने को मिला। फिर मेरी अम्मी कितनी जगहों पर गईं, हर जान पहचान वाले के पास उधार मांगने। उन्हें दूसरों के लिए काम भी करना पड़ता। इस पर मेरी सेहत ने मेरी अम्मी से इतना खर्च करवाया है। मैं हमेशा से ही बीमार हूँ। मेरी एक जुड़वा बहन है जो बिल्कुल ठीक है। मेरी अम्मी चिल्ला पड़ती, अब मैं तेरे इस रोज रोज की बीमारी से तंग आ गई हूँ। इतना खर्चा होता है, कहाँ से लाऊं इतने पैसे? अब और नहीं होता मुझसे, समझी? एक बार की बात है जब मैं बहुत बीमार थी, किसी ने मेरी अम्मी से कहा कि मुझे एक प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जाएं। वो डॉक्टर अच्छा माना जाता है। मुझे नर्सिंग होम ले जाया गया। डॉक्टर ने उन्हें बताया, देखिए सलमा के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। उसके इलाज के लिए सिर्फ नर्सिंग होम में बिस्तर का खर्चा 250 रुपए हर दिन का आएगा और इलाज का अलग। डॉक्टर साहब, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं कहाँ से लाऊंगी रोज का 250 रुपया? हमारी कुछ तो मदद करिए डॉक्टर साहब, आप ही बताइए मैं क्या करूं। तब उसने कहा कि मुझे घर ले जाएं, पर वो नहीं मानी। मैं वहीं पड़ी रहती जब तक कि दोपहर को वो ना आती। मुझे नहीं मालूम कि वो कहां से पैसे लाती, पर वो मेरे इलाज के लिए पैसे जुटा ही लेती। अब मैं आयुर्वेद की दवाएं लेने लगी हूं और उससे मुझे काफी आराम है। मेरे पांव के छाले सूख रहे हैं, पसलियों का दर्द भी चला गया है, चेहरे की सूजन, सिर दर्द, बदन दर्द और गले से खून बहना बंद हो गया है। अब मुझे पहली बार ऐसा लगने लगा है कि मैं ठीक हो सकती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि अभी हमें बहुत दूर जाना है। मैं इतनी खुश रहती हूँ, मैं तो अब जीना चाहती हूँ। तो ये थी कहानी भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित एक लड़की सलमा की। इस गैस त्रासदी से हजारों लोगों की जानें चली गईं और ना जाने कितने ही लोग अपंगता के शिकार हो गए। ये गैस त्रासदी सन 1984 में 2 दिसंबर की आधी रात को भोपाल की यूनियन कार्बाइड कंपनी में हुई। इसका कारण था मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC नामक जहरीली गैस का रिसाव। इस गैस का उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। भोपाल गैस त्रासदी को दुनिया में मानवीय समुदाय और उसके पर्यावास को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं में गिना जाता है। वह सुबह कभी तो आएगी। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक दूर्वा के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कलाकार शालिनी सिंह, रक्षित और वैभव, ध्वन्यंकन बटी लैंगलिंगडो और शानु मुक्सीम, आभार अजीत होरो, निर्माण ध्वनि संपादन और निर्देशन विमलेश चौधरी,
तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।